मरुधरा की सियासत के भी अजीब रंग है। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यूं तो लंबे समय से खामोशी अख्तियार कर रखी थी, लेकिन जब वसुंधरा ने चुप्पी तोड़ी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजे के बीच तीखी जंग छिड़ती दिखाई दे रही है। सियासी संकट के दौरान राजे और सीएम गहलोत के बीच गठजोड़ के भी कई आरोप लगे थे। यहां तक कि बीजेपी के ही सहयोगी हनुमान बेनीवाल ने तो दोनों के बीच आपसी गठजोड़ को लेकर मोर्चा भी खोल दिया था। लेकिन अब सीएम गहलोत और वसुंधरा के बीच की तल्खियां खुलकर सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। दरअसल सूबे में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के बीच स्पेशल कोर्ट ने पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ हुए थानागाजी गैंगरेप केस में बड़ा फैसला सुनाया, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि थानागाजी रेप केस में न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। ये एक नजीर है कि कैसे त्वरित जांच से कम समय में न्याय हो सकता है। इस मामले से जुड़े सभी जांच अधिकारियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सराहनीय कार्य किया है। प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर अपराध में सजा हो और सभी मामलों में निष्पक्ष, विस्तृत एवं शीघ्र जांच हो सके। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें राजे ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हवाला देते हुए सूबे की अशोक गहलोत सरकार के साथ साथ पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा। राजे ने कहा कि NCRB के मुताबिक राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में देश में सबसे ऊपर है। वहीं राज्य के DGP कह रहे हैं कि आपसी झगड़े निपटाने के लिए झूठे रेप केस किए जा रहे हैं। प्रदेश में कानून के रखवालों द्वारा ऐसे बयान राज्य सरकार की अकर्मण्यता व पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता को इंगित करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वसुंधरा राजे ने थानागाजी केस में कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अपनी पूर्व सरकार को ही क्रेडिट देते हुए कहा कि थानागाजी दुष्कर्म मामले में मैं कोर्ट के निर्णय का स्वागत करती हूं। हमारी भाजपा सरकार ने दुष्कर्मियों को कठोरतम सजा का प्रावधान किया था। इस प्रकरण में दोषियों को मिली सख्त सजा ने समाज कंटकों को एक चुनौतीपूर्ण संदेश दिया है तथा जनता का न्यायपालिका में विश्वास मजबूत हुआ है। बहरहाल वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच के रिश्तों को लेकर वक्त बेवक्त सियासी गलियारों में कई चर्चाएं रहती है, लेकिन अचानक से राजे की सक्रियता और आक्रामक अंदाज को लेकर अब कई मायने लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि वसुंधरा इस महीने के अंत तक सूबे की सियासत में पूर्ण रूप से सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।